जोशी जी और हमारे साथ खुराना साहब दिल्ली प्रदेश के हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, और मैं मीनाक्षी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात प्रेस के माध्यम से सबके साथ करें। नमस्कार मित्रों, आज की जो विषय है वो ये है कि पिछले 5 दिन से भारतीय जनता पार्टी धरने पर बैठी है, और धरने पर बैठी है क्योंकि शीश महल का हिसाब किताब हमको चाहिए। और आपको दो बातें मैं मुख्य तौर पर आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि एक है नैतिक दोगलापन और दूसरा है कानूनी तौर पर कानून का उल्लंघन। तो नैतिक दोगलापन केजरीवाल जी के व्यवहार में साबित होता है कि एक तरफ उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ऑस्टियर साधारण जिंदगी जीऊँगा, घोड़ा गाड़ी बंगला नहीं लूँगा, और उन्होंने वो सब केवल लिया नहीं बल्कि अपने लिए 7-स्टार फैसिलिटी बनाने का काम किया। दूसरा, ऐसे समय पर ये सब हुआ जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन, और आपको याद होगा कि इन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, केंद्र सरकार के ऊपर लगातार प्रेशर बनाते रहे कि 972 मेट्रिक टन हमको ऑक्सीजन चाहिए जो पूरे देश की ज़रूरत थी। कोरोना से पहले पूरा देश 972 मेट्रिक टन ऑक्सीजन इस्तेमाल करता था, मेडिकल ऑक्सीजन, केवल दिल्ली के लिए इनको इतनी ऑक्सीजन चाहिए थी, और उसको कहाँ कहाँ व्यवस्थित ढंग से बांटना है करना है उसकी कोई काम नहीं किया, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों की जहाँ उनकी अपनी सप्लाई चेन बनी हुई थी उसको तोड़कर इन्होंने बाकी जगह भेजने का प्रावधान किया, जिसमें कई लोग गंगाराम अस्पताल बाकी जगह पर उनकी मौत भी हुई। तो ऐसे समय पर जब दिल्ली की जनता त्राहिमान थी कोरोना से, भोजन की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ये सब चीज़ें चाहिए थी, और साथ ही कंस्ट्रक्शन के ऊपर, निर्माण के ऊपर रोक थी, ऐसे समय पर यह कार्य किया गया और 45 करोड़ रुपये उस पर खर्चे गए, जब एक एक रुपये की ज़रूरत व्यक्तियों के जीवन बचाने की थी, और उन्हीं मजदूरों को जबरन दिल्ली से निकालकर अन्य जगहों पर, उनके स्थानों पर, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह धकेला गया। वो दिन मेरी आंखों के सामने है, और मैं चाहूँगी कि सब लोग उस दिन को याद करें कि एक तरफ व्यक्ति को नहीं पता कि अगला दिन, अगला मिनट नसीब होगा या नहीं, कोरोना की मार कैसी पड़ेगी, और वहाँ पर ये व्यक्ति अपना शीश महल बना रहा था। ये हुई नैतिक मूल्यों का हनन और मॉरल रॉन्ग। सेकेंड एस्पेक्ट, जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है कानूनी उल्लंघन। देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या इन पदों पर रहने वाले लोग अगर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, तो उसी संविधान के तहत बने हुए कानूनों का क्या उल्लंघन कर सकते हैं और फिर दुहाई भी दे सकते हैं? ये दोगलापन भी आप सबके सामने आना चाहिए। जब ये अपना मुकाबला कि प्रधानमंत्री के निवास पे इतना खर्च हुआ, फला मुख्यमंत्री के निवास पे इतना खर्च हुआ, तो भाई मुझे ये बता दो, उन्होंने नियम कानून को ताक पे रख के पैसा खर्च किया था या नियम कानून के अनुसार खर्च किया था? आप 100 करोड़ खर्चते, लेकिन आप हिसाब तो बताओ, आप जगह तो बताओ। मास्टर प्लान दिल्ली 21 के मुताबिक जो ये क्षेत्र है सिविल लाइंस का, जहाँ पे इनका निवास है, उसमें ईंट भी नहीं लगा सकते। तोड़फोड़ तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो लट्टियंस दिल्ली की तरीके की जगह है, जो नियम कानून के अनुसार हेरिटेज एरिया है, वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इन्होंने वो कंस्ट्रक्शन किया। नंबर दो, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, ईंट लगती है, कुछ भी काम होता है, उसके लिए आपको DUAC, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की परमिशन चाहिए होती है। आपने वो परमिशन ली, जवाब है नहीं, क्योंकि वो परमिशन कुछ कंडीशंस पे मिलती है कि कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा, वैसा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, तो उसकी भी कोई परमिशन इन्होंने नहीं ली। तीसरा, 45 करोड़ रुपया आपको खर्चना था, तो क्या आपने 45 करोड़ रुपए का कोई टेंडर फ्लोट किया? जवाब है नहीं, स्कैम यहां पर है, क्योंकि 45 करोड़ रुपए का कोई टेंडर नहीं खर्चा, बल्कि इन्होंने नियम कानून का उल्लंघन करते हुए, क्योंकि 10 करोड़ और 10 करोड़ से ऊपर कोई टेंडर अमाउंट होता है तो वो सेक्रेटरी PWD के हस्ताक्षर के बिना अप्रूव नहीं हो सकता, इन्होंने उसको नीचे नीचे
9 करोड़ और 9 करोड़ से नीचे की कई सारी किश्तों में उस पैसे को निकाला, 45 करोड़ का टेंडर नहीं किया। टेंडरिंग प्रोसेस के मुताबिक ई टेंडर, ई ओपन टेंडर आपको करना होता है और उसका भी नियम है, मैं आप कहेंगे तो मैं उसको कोट कर सकती हूँ कि वो 2019 का 2674 जो है वो प्रेस्क्राइब्ड है नियम, उसका उल्लंघन करते हुए इन्होंने पूरे अमाउंट को स्प्लिट किया, बांटा छोटे हिस्सों में ताकि वो उस नियम से बाहर हो सके। साथ में नियम है, कानून है कि 20 लाख से ऊपर फर्नीचर फर्निशिंग्स कुछ भी है तो उसमें आपको कंकरेंस चाहिए होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, तो उस फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस ना लेनी पड़े। 11 करोड़ रुपए आपने खर्च दिया फर्निशिंग के ऊपर, और साथ ही जो ई टेंडर है उसमें भी आपने डेविएशन किया, जो एग्जिस्टिंग टेंडर्स थे 5.6 करोड़ के या कितने के, उसके साथ पूरा 50% उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपने उस काम में आप उलझे और आपने वो भी गैर नियमित ढंग से कार्य किया। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो सोचिए 314 स्क्वायर मीटर की जगह को आपने 1000 से ऊपर बढ़ा लिया, कैसे बढ़ाया, यानी आसपास की जो बाकी प्रॉपर्टीज थी उनको आपने अपनी इस प्रॉपर्टी में मिलाया। अरे दो भाइयों का भी अगर मकान बढ़ता है या 500 गज का प्लॉट 250-250 में बढ़ता है या 1000 का 500-500 में बढ़ता है, उसकी भी परमिशन होती है। यहाँ तो आपने बढ़ा लिया बिना किसी परमिशन के, बिना किसी बातचीत के, वो भी गैर कानूनी काम किया। और ये सब करने के दौरान आपको याद है ऑड इवन, दिल्ली का पोल्यूशन, लोगों में पैसा बांटना, एनवायरनमेंट कंसर्न्स, वातावरण को, दिल्ली के वातावरण को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो पेड़ गिराने की परमिशन होती है। जो काम इन्होंने टेंडर को बांट कर छोटे छोटे हिस्सों में, वही काम इन्होंने पेड़ गिराने की परमिशन पे भी किया। पेड़ गिराने की परमिशन अगर 10 पेड़ से अधिक होते हैं तो वो भी सुपीरियर ऑफिसर के पास जाती है और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर के अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसमें क्या किया, 9, 2, 6, 6, 5 इस तरीके से इन्होंने उसकी परमिशन नीचे नीचे ली ताकि वो ऊपर के अधिकारियों के पास ही ना जाए, क्योंकि ऊपर के अधिकारियों के पास जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, लोगों को पता चल जाएगा कि आप कोरोना के समय पर क्या हरकतें कर रहे हैं। तो नीचे ही नीचे पहले 9 की 10 की संख्या, आंकड़ा जो है वो महत्वपूर्ण है, 10 करोड़ और 10 पेड़ दोनों बराबर है, क्योंकि 10 पेड़ से ऊपर और 10 पेड़ का अगर आपको करना है तो आपको ऊपर के अधिकारी से परमिशन लेनी है, ऊपर के अधिकारी के पास परमिशन जाती तो बात फैल जाती, तो इन्होंने नीचे ही नीचे अपने लेवल पे ये काम कराया। और ये पेड़ गिराने के एवज में आप जानते हैं दिल्ली का नियम कि आपको उससे अधिक जो है पेड़ लगाने पड़ते हैं, 10 गुना पेड़ लगाने होते हैं, तो 260 पेड़ इनको लगाने थे, तो 260 पेड़ में से 83 पेड़ लगे हैं, 167 की पिट्स खाली हैं, बाकी का कुछ हिसाब किताब नहीं है। जो ट्रांसलोकेट करने थे, जो बड़े 200 300 400 साल पुराने पेड़ हैं, उनकी ट्रांसलोकेशन होनी थी, उनको आप काट नहीं सकते, तो ट्रांसलोकेशन में 1 बरगद का पेड़ जीवित है, 11 पेड़ मर चुके हैं और 7 कहाँ हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके लिए। और साथ में ये भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को सजावट का काम दिया गया, इंटीरियर डेकोरेशन का काम दिया, वो कॉन्ट्रैक्टर है सीता नंदा, और सीता नंदा के खिलाफ 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई है। तो अभी इनकम टैक्स का कनेक्शन है, उसके करते वो कॉन्ट्रैक्टर बनी है, या एक भ्रष्टाचार दूसरा भ्रष्टाचार शामिल हुआ है, या पुराने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिश्तेदारी इनकी आपस में है, पहचान है, क्या है, इसकी भी जानकारी शायद मीडिया के बंधुओं को जाननी होगी। इन सब के बीच में जो बाकी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ वो ये है कि संजय सिंह कल से वापस ट्रू टू इट्स ओन कलर्स, पार्टी का जो रंग है ना उसी रंग के मुताबिक संजय सिंह ने एक और
कार्य किया है, और वो है इतना झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो और इतनी बार बोलो कि झूठ सच लगने लगे। और उसी झूठ को सच लगाने के लिए वो एक कहावत और है, थोथा चना बाजे घना। तो वो थोथा चना बाजे घना इस तरीके से चल रहा है कि ईडी की जो चार्जशीट दाखिल हुई, सेकेंड चार्जशीट, उसके अंदर चार जगह पर संजय सिंह का नाम आया, चार में से तीन जगह संजय सिंह का नाम ठीक है, एक जगह पर राहुल सिंह का नाम लिखना था जो कि एक्साइज कमिश्नर था, उसकी जगह पर टाइपिंग करते हुए गलती से संजय सिंह लिखा गया। और ये लिखते ही जैसे ही ईडी को एकदम से पता चला कि ये गलती हुई, 20 अप्रैल को उन्होंने एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई कि ये हमसे गलती हुई है, एक जगह पर हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे राहुल सिंह होना चाहिए। टाइप करते करते क्योंकि संजय सिंह तीन चार जगह आ चुका था, इस वजह से एक जगह पर हमने राहुल सिंह की जगह संजय सिंह लिखा। कोर्ट हमको परमिशन दे, अधिकार दे कि हम इसको ठीक करके, टाइपिंग एरर को ठीक करके फर्निश कर सके। और साथ ही 20 तारीख की एप्लीकेशन है कोर्ट की, 22 तारीख को संजय सिंह ने नोटिस जारी कर दिया कि ईडी ने डेफिमेशन किया, मेरा नाम गलत इस्तेमाल किया, ये किया वो किया, बिना बताए कि भाई तीन जगह सही नाम लिखा है आपका, और उन तीन जगह के मुताबिक 82 लाख रुपया आपने दिनेश अरोड़ा से लिया या नहीं, आप ये बताइए, आप इसका जवाब दीजिए कि होटल एसोसिएशन के क्विड प्रो क्यो के अंदर 3 बजे तक सारे होटल खुले रहेंगे, इसकी एवज में आपको 82 लाख रुपया मिला था या नहीं मिला था, आप इसका जवाब दीजिए। और उसका जवाब की तो बात नहीं कर रहे, तीन जगह नाम आया ईडी की चार्जशीट में उसकी बात नहीं करे, एक जगह जो टाइपोग्राफिकल एरर है उसके लिए क्या चलाया, ईडी ने माफी मांगी, ईडी ने गलती की, ईडी ने नाम गलत किया। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा बड़ा झूठ कितनी बार, और झूठ को सच बनाने के लिए ये पूरी पार्टी इसी तरीके की है, जहां पर इन सब ने मिलकर झूठ बार 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 बार, संविधान की दुहाई बार 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 बार, भाई जो सवाल डायरेक्टली आपसे पूछे जा रहे हैं आप उसका जवाब क्यों नहीं देते, आप क्यों नहीं बताते कि ये काम आपने किया था या नहीं किया था, इसका संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और मैं अपने मीडिया के सभी बंधुओं से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि देश के लोकतंत्र में आपका रोल भी बहुत बड़ा है, और उस रोल के मुताबिक जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए और जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोगों को इस बात की सूचना होनी चाहिए कि ईडी ने चार्जशीट में इनका नाम 4 जगह इस्तेमाल किया है, जिसमें से 3 जगह ठीक है, एक जगह राहुल सिंह की जगह संजय सिंह लिखा गया है, उसके लिए ईडी ने 20 तारीख को ही दरखास्त लगा दी थी कि इसको ठीक करने का हमें मौका दिया जाए। तो ये आज की स्थिति है। और मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि जो शीश महल है, जिसके दरवाजे आपने दिल्ली की जनता के लिए बंद किए हैं, आप 4-4 लाख का कंबोर्ड लगा रहे हैं, आप लाखों रुपए के पर्दे लगा रहे हैं, करोड़ों रुपया आपकी किचन में खर्च हो रहा है, आप 8 करोड़ का मार्बल लगा रहे हैं, मतलब आप अंदाजा लगाइए। एक तरफ आप कहते छत लीक कर रही थी, अभी छत लीक कर रही है तो मैं छत रिपेयर करूंगी कि फ्लोर के ऊपर मार्बल लगाऊंगी, फ्लोर के मार्बल लगाने से छत लीक ठीक होती है क्या, या वाटर ट्रीटमेंट करना होता है। और कोई भी हिसाब लगा लो जी, कोई हिसाब लगा लो पर स्क्वायर मीटर पर क्या अप्रूव्ड रेट है कंस्ट्रक्शन का, आपका हिसाब कैसे बनता है बताओ। कमोड 4 लाख का लगाने से मतलब बेहतर इस्तेमाल होता है क्या, मेरे को समझ, मतलब छत लीक कर रही है, पानी खराब है, अलमारी ठीक नहीं है, तो आप 4 लाख का कमोड लगाएंगे, मतलब बताइए जरा। ये जिस तरीके का झूठ, मैं वापस अपने इनिशियल स्टेटमेंट पर आती हूँ कि जिन लोगों ने कहा कि घोड़ा गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, वो अपने लिए 7-स्टार फैसिलिटी बना रहे हैं, ये तो नैतिक मूल्यों का हनन है या नहीं। सो आई विल रिपीट ऑल दिस इन इंग्लिश बिकॉज सम मे हैव दैट रिक्वायरमेंट। सो टू बिगिन विद, देर आर 2 aspects to the entire wrong. One is that for 5 days, BJP has been sitting on Dharna,
seeking investigation into the details of the wrongs committed by Aam Aadmi Party's supremo called Mr. Arvind Kejriwal. There are two aspects to the wrong. One aspect is the moral and ethical wrong. Moral and ethical wrong because at a time when Delhi was undergoing the stress of having corona all over, when people, the migrant laborer who have been used to build this Sheesh Mahal, were getting thrown out of Delhi by this very government without making adequate arrangements for them, at that point in time when Delhi needed oxygen and they were demanding 972 metric tons of oxygen for Delhi, for which there was no installation of any facility where all this could be stored or stacked up or distributed. So many people died in Gangaram Hospital and several other places because they diverted the private supply chain which those hospitals had made for themselves. And at that point in time when people did not know whether for the next moment they are going to be alive or dead, at that point in time this construction activity was going on in Delhi, which was illegal because at that point in time construction was banned in Delhi. That's, people needed masks, people needed sanitizers, people needed sanitation. Keeping all that aside, this person was building a Sheesh Mahal for himself. Number two, in this very regard, remember the day when he talked about Caesar's wife? He said, we are like Caesar's wife. I would say the Caesar himself is committing the wrongs. Because on one side, he said he will not accept anything which is ultra luxurious. He will live an austere, simple life. Now, austere, simple life, a person wanted to live, but built not a 5-star, but a 7-star facility for himself. So these are the aspects of moral wrong. The second aspect is the aspect of legal wrong. When he compares himself with the Prime Minister of the country or the Chief Ministers of the country, then they would have spent the money in terms of what the law permits, not against the law. Now, I will enumerate the legal wrongs which he has committed. Number one, the Master Plan 21, according to which it's not permitted to engage in any construction in this area, which is called civil lines, because it's a heritage area. Like civil lines, like Latian's Delhi, you cannot even put a brick in violation of laws and you need to seek permission. So one, in against the MPD 21, our Master Plan 21, you've constructed, which is one wrong. So you're violating the law. The second wrong, DUAC, Delhi Urban Art Commission's permission was to be needed because that is given on certain conditions, that whatever will be the construction will be in terms of this design, that design, this material will be used, that material will be used, heritage structure will be kept in mind. Without taking their permission, DUAC permission, this was acted upon. The third point, the contract for 45 crore should have been issued. There should have been a tender for 45 crore because that's the entire amount you wanted to spend. So without having to float a tender for 45 crore, because anything which is 10 crore and above, you need to take permission from the Public Works Department Secretary. So they tried to do, they split the tender. So instead of going in one go of 45 crore, they split the tender into multiple forms, keeping the amount less than 10 crore so that the superior agencies or authorities do not get a whiff of what is going on. So 9 crore, 8 crore, 1 crore, like that, in several pieces, the big tender was split into to evade the permission from a superior authority. Then, in terms of the regulation, because if you were to do it the right legal way, you have to float e-tender. There was no open e-tender in this entire process, and that is where the scam is. Then, to benefit the contractor, the existing contracts were exercised. For example, 5 crore is the amount, and they had been given extension, which means benefiting the contractor by
over 50%. That's the kind of work they have done in violation of the regulation. Then, other than this, for fixtures and furniture, anything above 20 lakh rupees, you need the finance department's permission. And for that, they have even violated that. So under a sanction order, without an open e-tender, under the sanctions, the existing contractors were given this work. Then, the 10 crore and number 10, that's number E. So this is very important. Number 10 is really important because on one side, the table is of 10 crores. On the other side, whenever for construction, etc., you have to fall the trees and you have to undertake any such activity. Anything above 10 trees, a superior authority needs to sign up for that procedure. And to evade that, the permission was sought for 9 trees, 2 trees, 6 trees, 6 trees, and 5 trees, so that the superior authorities do not get a whiff of it. And if they get a whiff of it, then in that case, everything will be blown and everyone will get to know what all is going on. So to evade that, they kept the number 10, less than number 10. And everybody knows, in Delhi, people who talk about odd, even, pollution in Delhi, etc., etc., this is the concern for pollution of Delhi. Because if you fall certain trees, certain numbers have to be planted. 10 times the numbers of, if I fall one tree, I have to plant 10 trees. In this case, 260 trees were to be planted next to DRDO, in DRDO itself, Metcalf House. At that place, only 83 trees have been planted. 167 pits are empty and nobody knows what happened to the rest. Translocation of trees. So 26 trees were to be translocated. One tree, one burger tree, banyan tree is found to be transplanted. 11 trees are found to be dead and nobody knows what happened to the 7 trees. And those 7 trees, whether they are dead, alive, translocated where, nobody has any knowledge. So this is the concern for the environment of Delhi, this Delhi chief minister has. Interestingly, Sita Nanda, who's supposed to be the decorator and who got the contracts for decoration and interior decoration, was given 1 crore as the consultancy fee, has been found to be involved in some taxation wrong, and there was an income tax raid at the premises of Sita Nanda. Now, whether it's the income tax connection or it's the wrongdoers' connection, these people have been used for decorating the house of Mr. the Sheesh Mahal of the Delhi Chief Minister. Instead of answering all this, they are constantly obfuscating and creating confusion in the minds of people, constantly telling lies. That's what Aam Aadmi Party has reduced itself to, and which is a matter of shame, because when you are dealing with subject matters which concern your integrity, party's integrity, and you are constantly talking about the constitutional morality, you're talking about the legal morality of an authority, at that point in time, Sanjay Singh from Aam Aadmi Party has been making false accusations and is trying to derail the public opinion by lying, not just lying multiple times, lying aloud so that people do not get to see the truth. I request the friends from the media, the members of the media, to bring the truth to the notice of the people. And the truth is that in ED charge sheet, the second charge sheet filed by ED, the name of Mr. Sanjay Singh has come at 4 places. And when the name has come at 4 places, 3 places the name has been correctly used as per the statement of the ED, and only at 1 place there is a gentleman called Rahul Singh
who happened to be the excise commissioner at that point in time. And instead of using Rahul Singh's name, the name of Sanjay Singh was wrongly typed. When this came to the notice of the ED on 20th April 23, ED moved an application before the court saying that this be corrected and we be allowed to correctly furnish the charge sheet. It never said that three places Sanjay Singh's name has been wrongly used. Only at one place the name of Sanjay Singh has been wrongly typed. So allow us to correct that. On 22nd of April, Sanjay Singh sent a notice to the ED, defamation, my name's been wrongly used, etc., etc., and tried to obfuscate the entire issue by saying, it's a case of defamation. The ED is being blatantly used against me. The fact of the matter is that Mr. Sanjay Singh, question still remains, that whether Mr. Sanjay Singh received a sum of rupees 82 lakhs from Dinesh Arora or not for increasing the timing of the Delhi hotels by 3 a.m. That is the question which Mr. Sanjay Singh should directly answer. That's where I rest my case. देखिए मैं वही बात, सरकार पहलवानों के मामले में, महिलाओं के मामले में बहुत संजीदगी के साथ जो है अपना रवैया रखती है. वी आर वेरी सेंसिटिव टू दिस कॉज एंड फॉर दैट रीज़न दो कमिटीज़ भी एस्टैब्लिश हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट के भी जो केस है सामने है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, FIR भी दर्ज हुई है. ये देश के नियमानुसार जो भी कुछ होना चाहिए वो हम कर रहे हैं. क्या होता है जब इस तरीके के लोग जो इन सब मामलों में फंसे हुए हैं, ईडी में फंसे हुए हैं, एक्साइज घोटाले में फंसे हुए हैं, 45 करोड़ के शीश महल में फंसे हुए हैं, जब ये लोग ऐसे धरनों पे पहुंचते हैं तो धरने की क्रेडिबिलिटी पर आंच आती है. और ऐसे में जब खास तौर पे सौरभ भारद्वाज फॉर एग्जाम्पल एक मीटिंग करते हैं, उसके अंदर दिनेश पाठक, मैं आपको नाम देना चाहती हूँ किन किन लोगों के नाम आए हैं, वो उस किस्म के लोग जब शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर उसकी जो सीरियसनेस है वो डाइल्यूट होती है. इसमें है सौरभ, आदिल खान, दुर्गेश पाठक, नीरज एंड संदीप. ये लोग का दिल्ली में मीटिंग होता है. इस मीटिंग के बाद 100 लोगों की पगड़ी के लिए पैसा खरीदा जाता है, मैट्स खरीदी जाती हैं और वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था का इंतजाम किया जाता है. तो आप ही बताइए कि जब इस तरीके की गतिविधियों का जो राजनीतिकरण होता है तो वो क्रेडिबिलिटी जो है, जो खुद ही डिसक्रेडिटेड है, वो लोग जाके बैठेंगे तो वो थोड़ा असर करता है. तो जी, देखिए मैं तो वही बात है, सोमनाथ भारती अपनी बीवी के डोमेस्टिक वायलेंस के केस में इन्वॉल्व व्यक्ति हैं और तरीके के चीज़ों में भी उनके नाम हैं. तो ऐसे लोग जब भ्रष्टाचार का जवाब देने की बजाय वहाँ पहुँचते हैं, जब कार्रवाई हो रही है, मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो जो खुद ही डिसक्रेडिटेड है, मैं इसमें और क्या कह सकती हूँ. देखिए जिनका खुद मकान ढहाने का वक्त आ गया है, तो जो मकान ढहाने का काम जिनका शुरू हो रहा है वो इस तरीके की बात करेंगे तो क्या है, मतलब हाँ वो करेंगे ही ऐसी बात, थोथा चना बाजे घना भाई. भ्रष्टाचार की बात हो रही है, आप तो भ्रष्टाचार पे जवाब दीजिए. आप तो बताइए कि 45 करोड़ का शीश महल कोरोना के दौरान नियम की ताक पे लगाकर आपने बताया, तो आप बताइए कि आपको ढहाने का, आपका मकान ढहाने का टाइम आया या नहीं.
मतलब बुलडोजर आपके मकान पे चलना चाहिए या नहीं? एक्साइज पॉलिसी के अंदर आपने घपलेबाजी की या नहीं? स्कैमस्टर्स, आप स्कैम देखिए, 45 करोड़ के ऑर्डर को 5 में ब्रेक करो, 10 की परमिशन ना लेनी पड़े तो आप 9, 6, 5, 2 ऐसे करके परमिशन लो। तो भाई यही स्कैम है, नियम कानून का उल्लंघन तो आप कर रहे हैं, आपने शीश महल बनाया है, तो आपका आपका मकान ढाने का टाइम आ गया। I can only say that if your opposition comes on a back foot, it's a victory for you. And you must remember that yesterday I quoted 2 lines from Hanuman Chalisa, which says, Buddhihin tenu janake sumiro pavan kumar, bal buddhi vidya dehun dehun haru kales vikar. So those who lack the intelligence, may God bless them, Hanuman ji bless them with intelligence. Those who lack the strength, God please give them strength. And I would say for myself and on behalf of my party, please give us the strength, intelligence and vidya, the knowledge to deal with all such things. मुझे नहीं मालूम, जो मेरे को नहीं मालूम मैं क्या बोलूंगी। इट इज द प्रेस इज ऑन अरविंद केजरीवाल शीश महल। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है, स्वाति मालीवाल ने आज कहा कि बीजेपी अपने गुंडों को बचा रही है और बेटियां बारिश में भीग रही हैं, क्या उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते उनकी? भैया मैं जो गुंडों की सेना में शामिल हूं उसका क्या जवाब दूं? डाइवर्जन टैक्टिक्स है। डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है।